सो फाइनली गाइस हम लोग रास्ता भुला गए थे, तो इधर से आ रहे हैं, तो ये रास्ता सही रास्ता मिल चुका है, अभी जा रहे हैं, अच्छा रास्ता मिल चुका है। अरे हम लोग बहुत दिन के बाद इधर आए घूमने के लिए, तो हम लोग भुला गए थे रास्ता किधर से जाती है। सो फाइनली गाइस हम लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, तो मज़ा आने वाला है। ओ भाई इधर तो भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा लगता है, तो कहाँ के टाइम दिखाएंगे आपको व्यू दिखाने देखने को मिलेगा उधर। हम लोग चार लोड हैं, तो हम लोग को स्पेस नहीं बन रहा है, कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तो पीछे से कोई धक्का मार रहे हैं हमको पार्टनर जी, ठोकर की वजह से थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ये तो घर द्वार बहुत ज़्यादा है यार, ये ठोकर भी बहुत ज़्यादा है, और स्लो स्लो गाड़ी चलाना पड़ रहा है, रास्ता बहुत ख़राब है। तो इधर देख सकते हैं, अरे भाई इधर सुअर का नज़ारा देख सकते हैं, वो भाई कितना अच्छा लग रहा है सुअर कचड़ा में। तो फाइनली हम खराब रास्ता में पहुंच चुके हैं, इधर गांव देहात का एरिया है, अब रांची जो टाउन था उससे बाहर निकल चुके हैं, और कांटे डैम थोड़ा डैम है, आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा, हरियाली हरियाली थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो सुनील ब्रो कुछ बोलना चाहते हो, बताए हो गाइस लोग कुछ बोलन व्यवहार। अरे यार बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार इधर आ रहे हैं बहुत दिन के बाद में, और आगे हाँ इससे पहले घूमे थे, हो रहा है शायद एक आध दो मंथ उसके बाद में, तो फिर फिलहाल के लिए आ जा रहे हैं, फिलहाल के लिए आए हुए ना, तो रोड थोड़ा सा बुला बुला से लग रहे हैं, अभी तो सही रास्ते पे आ रहे हैं, अभी पहुँचने ही वाले हम लोग काके डैम पे। नाटिक तो गाइस देखें कि आप दोस्त को कितना मज़ा आ रहा है बैठने में, गाड़ी सबसे पीछे बैठा है, अगर फंसकाएँ ज़्यादा रहेगा तो पीछे भी फेंका सकता है। सबसे खास बात तो ये है कि हम लोग चार लोडिंग एक बैग पे आ रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, और सबसे लास्ट में शामी है। तो गाइस देख सकते हैं आप काके डैम का व्यू, वही रास्ता बहुत ख़राब है, तो गाड़ी सुबह सुबह चल रही है, और आपको नज़ारा दिखाते हैं काके डैम। हम लोग का किट बहुत गए हैं, अब देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं कहाँ गए का सीन, गाना डाल देंगे। चलो ना पूरा घूमो, इधर आगे तो वाइस सेट माता है, पूरा उधर फिर चटाइम कर। सो फाइनली गाइस हम लोग ये कांगे डैम का मज़ा ले चुके हैं, इधर देखने में मज़ा आ रहा है पीछे का बैकग्राउंड। अभी और आगे जाएंगे उधर कांके, तो क्या बोलते हैं रॉक गार्डन की ओर, तो अब बने रहिए ब्लॉग। ये रास्ता इतना उबड़ा खबड़ा है, ओ भाई इधर चट्टान भी है, क्या देखने में मज़ा आ रहा है, इधर गंदा हम लोग का कपड़ा जो अच्छा अच्छा पहन के आएंगे ना तो इधर सारा गंदा हो जाएगा। ओ व्यू क्या यार, क्या रास्ता है, इधर कुछ देखो तो क्या कर रहे सब में, हम ही लोग कुछ नहीं कुछ नहीं। तो गंदा इधर बहुत, रास्ता ही खराब है तो गंदा रहेगा ही, तो डालिए देंगे डिलीट करके। सो फाइनली गाइस हम लोग इतना खराब रास्ता शेयर कर रहे हैं, घर में रास्ता इधर पानी जो भरा हुआ था सूख गया है, अभी ठंडा का मौसम है, तो इधर उबड़ा खबड़ा रास्ता बन चुका है, तो गाड़ी हम लोग चार लोड है, तो जाने में हम लोग को दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है, एक लड़का को तो उतरना
भी पड़ सकता है बट नहीं उतरेंगे, क्योंकि हम लोग उतरने का मन नहीं करते हैं। और हम लोग का बाबू भैया इतना गाड़ी अच्छा से राइड कर रहा है, कहने का कोई क्या कह सकते हैं, जवाब नहीं, लंबा चौड़ा हटा खटा आदमी। अब ये चढ़ाए नहीं तो देख सकते हैं यार, धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं बंदा, स्पीड चला के ट्रेनर है, बाइक का ट्रेनर है बाबू भैया से थोड़ा इंटरव्यू हो चुका है इसमें। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कांकेडिंग अंतिम चरण पे। तो देखिए आप देख सकते हैं कांकेडिंग का पूरा अच्छा अच्छा व्यू, मस्त हमको तो देखने में बहुत मजा आ रहा है, पार्टी मना रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है। ओ भाई क्या नजारा है, ये देख के तो मजा आ गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइए, कांकेड़ डैम का नजर की बात कितना बोलियो रहे हैं, बोले फोन बस फोन आ रहा है ना, ये कैसा बोलेंगे अभी चिंता नहीं, अभी अभी तो स्टार्ट करो भाई। इधर पार्टी उटी करता है लोग, बंदे लोग आके गाड़ी उड़ी लेके आता है, आज संडे का दिन है तो सब कोई इधर आता है, खाता है, पीता है और मस्ती से रहता है। तो ये पूरा कांके का दृश्य आपको दिखा देंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है जो फुटबॉल क्रिकेट खेला जा रहे और लोग दौड़ते भी हैं, सुबह सुबह वॉकिंग भी करते हैं। और ये पूरा कांके डैम का नज़ारा देखने में सभी जा रहे हैं, पाओ गार्डन की तरफ मस्ती में घूमें। छोटा सा रास्ता है, इधर से गाड़ी चलती है, कार वगैरह सब चल सकती है, बड़ा गाड़ी तो चलने का जगह नहीं है इसमें। खाली हम लोगों को कांके का डैम का दृश्य दिखा रहे हैं, अभी जाएंगे आगे, गाड़ी खड़ा करेंगे, उतरेंगे, देखेंगे कहाँ का नज़ारा सामने, पिक अप। अरे मेरा बंदर लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है, साइलेंट हो गया है, लग रहा है ये लोग को खाने पीने की कमी हो गई, भूख लग रहा है। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है ना, बाइक में चार लोग बोलने के लिए तो बात सही, किसी तरह एडजस्ट किए हुए हैं तो एक बाइक में मजा तो आ रहा है, लेकिन क्या तो भाई क्या जा रही है माल सब घूमने फिरने के लिए आए हैं तो मजा आएगा देख के, आराम से रहे भाई। थोड़ा सा दुखे रखा है, गाड़ी उड़ी आओ हो जाता है। तो फाइनली गाइस हम अब पहुंचने वाले हैं हम लोग काके का अंतिम चरण पे, और रॉक गार्डन का जो पहाड़ है वो दिखने में मजा है, अंदर घुस के आप लोग को दिखाएंगे वहाँ का दृश्य। आजकल तो ये ठोकर बहुत बड़ा है, आराम से गाड़ी पार कर रही है, पूरा हरियाली दिख रहा था। कौन सा और गाइस यहाँ पे देखिए आप, एक छोटा सा मंदिर है जो काके डैम के किनारे एक रास्ता किनारे बना हुआ है, देख सकते हैं आप, बजरंग बली का बजरंग बली। तो सामने से आपको कांके डैम का दृश्य दिखा रहे हैं। पकौड़ी एक ब्रिज जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरती है उसका दृश्य मजा आता है देख के यार, मस्त लग रहा है मुझे देख के। यहाँ पे रास्ता जाली बना हुआ है ताकि कोई एक्सीडेंट हो के पानी ना गिर जाए, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग फाइनली एक जो जहाँ पानी पार होता है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी देखेंगे वहाँ का नज़ारा। तो मुझे फर्स्ट मेरा ब्लॉग है तो मुझे देखने में मज़ा नहीं आ रहा है,